क्राइम ब्रांच के सेंधमारी विरोधी दस्ते ने सोमवार की रात अजनी थाना क्षेत्र में एक सचोरियों को घर पर छापा मार कर गिरफ्तार किया है, जो कि आईपीएल T20 मैच पर सट्टा लगाते हुए पाया गया। उसके दो साथियों को भी पुलिस ने मौके से धर दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों में द्वारकापुरी भगवान नगर निवासी अजय जगदीश चंद्र पांडे, ओल्ड बाबुलखेड़ा निवासी संकेत दिनेश दगड़े और रामेश्वरी निवासी निखिल प्रभाकर बाबर का समावेश है, जिनमें से आरोपी अजय फार्मेसी का व्यवसाय करता है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि वह अपने घर में बैठकर क्रिकेट सट्टे की खाईवाली कर रहा है। खबर के आधार पर पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा। अजय अपने बेडरूम में बैठकर पंजाब और हैदराबाद के बीच खेले जा रहे मैच की सौदेबाजी का उतारा करते रंगे हाथ मिला। उसके पास 7 मोबाइल फोन भी मिले, साथ ही 5,94,000 रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। पुलिस कार्यवाही चल ही रही थी कि संकेत और निखिल उनके घर पहुंचे। दोनों वहां आने का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पांडे के पास मिले सौदे के कागजों की जांच करने पर संकेत और निखिल का भी हिसाब मिला। उसने और भी लोगों को घर पर रकम लेने बुलाया था। फिलहाल पुलिस ने कुल 7,86,000 रुपए का माल जब्त किया है। जांच करने पर पता चला है कि पांडे तिरंगा चौक सकरधरा के ललित राउत के पास सौदे काटता था। पुलिस ने ललित राउत को भी आरोपी बनाया है, उसकी तलाश जारी है। इस कार्यवाही को डीसीपी सुदर्शन मुमक्का के मार्गदर्शन में एपीआई मयूर चौरसिया, हेड कांस्टेबल राजेश देशमुख, श्रीकांत उइके, प्रवीण रोड़े, सुधीर सौंदरकर, कुणाल मसराम, प्रशांत गब ने आदि ने अंजाम दिया। गुप्त माहिती मिळाली होती की भगवान नगर द्वारकापुरी येथे एका घरामध्ये आयपीएलची बॅटिंग चालू आहे, अशा माहितीवरून आम्ही रेड केली आणि अजय पांडे म्हणून आरोपी आहे, त्यांच्या घरी मोबाईलवरून खायवाडी चालू होती। त्यांच्याकडून टोटल 7,46,505 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे, त्याच्यामध्ये कॅश 5,94,500 रुपये आहे। एक आरोपी फरार आहे ज्याच्याकडे कटिंग करत होते आणि इतर लोक आरोपींचे पण नावं त्याच्याकडून मिळालेले आहेत। 8-9 चिठ्ठी सापडली आहे, पूर्ण हिशोब आहे त्याच्यामध्ये, त्यांना पण पुढे आम्ही अटक करणार आहोत। एका आरोपीचा रेकॉर्ड आहे, बाकी इतर आरोपींचे रेकॉर्ड आहे का ते चेक करणं चालू। आरोपींचं नाव आहे अजय पांडे, संकेत दगडे, निखिल बाबर। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।